इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब केंद्र सरकार राज्य के सेब किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। सरकार का प्लान है कि जम्मू कश्मीर के किसानों की जेब में अच्छी खासी रकम जाए और उनके नुकसान को कम किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार कश्मीर के लिए मिशन एप्पल लाने जा रही है और इस प्लान के तहत केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के सेब किसानों से अब सीधे सेब खरीदेगी। किसानों से सेब खरीदने का काम नेफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया करेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक किसानों से सेब खरीदारी का काम पूरा कर लिया जाएगा और इससे किसानों को पैसे सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। नेफ्ट द्वारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, शोपिया, सोपोर की मंडियों से सेब खरीदे जाएंगे। इसके बाद क्वालिटी कमेटी सेबों की किस्मों की ग्रेडिंग तय करेगी और ये प्राइस कमेटी सभी कैटेगरी के सेब की कीमत तय करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव इस पूरी प्रक्रिया में कोऑर्डिनेट करेंगे और ये पूरा काम कृषि और गृह मंत्रालय की निगरानी में होगा। जम्मू कश्मीर में 67% कश्मीरी यानी कि 7 लाख परिवार सेब का व्यवसाय पर निर्भर है। देश के कुल सेब उत्पादन का 79.3% का हिस्सा यही से होता है। जम्मू कश्मीर से सालाना 6,500 करोड़ रुपए का सेब निर्यात होता है। पिछले साल कश्मीर में 20 लाख मैट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ है। श्रीनगर में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी इनकी अहम बैठक में SLBC का लोन लेकर राहत देने का बड़ा फैसला लिया गया है और इस बैठक में कर्ज चुकाने की अवधि 90 दिन बढ़ाने की सिफारिश भी की गई है। ये छूट ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक में भी देने की मांग की गई है। SLBC की सिफारिशों पर अब RBI को अंतिम फैसला लेना होगा। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।